ऑल ऑफ यू, मैं मोहम्मद अशरफ फारूकी। जैसा कि आप लोग ज़्यादातर हमें देखते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ शायरी वगैरह लेके आता हूँ, अपना खुद का लिखा हुआ है दूसरों का, लेकिन आज मैं आप सभी के सामने, ये देखिए एप्रन पहना हुआ हूँ मैं, और मैं मेडिकल का स्टूडेंट भी हूँ, ये भी मैं बताना चाहता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ऑप्टोमेट्री की एक वीडियो आई के बारे में। मैं कोट यानी लेयर ऑफ आईबॉल के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूँ वो आपके सामने पहले पेश कर देता हूँ अपना लिखा हुआ एक शेर, एक मतलब और एक शेर की शाख से तोड़ लाया हूँ पत्ता अगर, शाख से तोड़ लाया हूँ पत्ता अगर, इसकी कीमत बढ़ाने को अल्फाज दे और मेरे मालिक तमन्ना हो पूरी मेरी, मेरे मालिक तमन्ना हो पूरी मेरी, अच्छा अंजाम हो ऐसा आगाज दे, अच्छा अंजाम हो ऐसा आगाज दे। तो दोस्तों मैं आगाज कर रहा हूँ आज आप सभी के सामने कोट यानी लेयर ऑफ आईबॉल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि आईबॉल जो हमारा होता है, मैं एक छोटी सी वीडियो, इसमें सिर्फ कोट ऑफ आईबॉल रहेगा, बाकी और जो सेगमेंट और चैम्बर ऑफ आईबॉल होते हैं उसकी अलग वीडियो बनेगी। अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कोट ऑफ आईबॉल। मैं आपको पहले बता दूं मोटा मोटा हिसाब कि आईबॉल की तीन कोट होती है, आउटर लेयर, आउटर कोट, मिडिल कोट और इनर कोट। आउटर लेयर को फाइब्रस लेयर भी कहते हैं, इसमें आता है आपका कार्निया और स्क्लेरा, 1/6 पार्ट होता है कार्निया का और 5/6 पार्ट होता है इसमें स्क्लेरा का। ये हो गया आपका आउटर कोट यानी फाइब्रस कोट। इसके बाद आता है मिडिल कोट, मिडिल कोट को कहते हैं यूवियल ट्रैक्ट या वैस्कुलर कोट भी कहते हैं, मिडिल कोट या वैस्कुलर कोट या यूवियल ट्रैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ये मिडिल कोट है। इसमें आता है आपका आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरॉइड, मिडिल कोट हो गया। और आपका जो थर्ड कोट है उसको कहते हैं इनर कोट यानी कि नर्वस कोट, इसके अंदर आपका आता है रेटिना और ऑप्टिक नर्व। तो ये हो गया आपका तीन कोट, थ्री कोट ऑफ आईबॉल। मैं फिर से रिवाइज करा दूं, आउटर कोट जिसको फाइब्रस कोट भी कहते हैं, इसमें आता है आपका कार्निया और स्क्लेरा, 1/6 पार्ट कार्निया का होता है, 5/6 पार्ट स्क्लेरा का होता है। और मिडिल कोट जिसको यूवियल ट्रैक्ट या वैस्कुलर कोट भी कहते हैं, इसमें आता है आपका आइरिस, सीलियरी बॉडी और कोरॉइड। और जो थर्ड यानी लास्ट कोट है, लास्ट लेयर आपकी है, वो इनर लेयर, इनर लेयर को नर्वस लेयर भी कहते हैं, इसमें आता है आपका रेटिना और ऑप्टिक नर्व। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में था कोट ऑफ आईबॉल, बाकी सेगमेंट ऑफ आईबॉल और कितने चैम्बर होते हैं, सेगमेंट और चैम्बर के बारे में अगली वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।